हेलो एवरीवन, दिस इज रुपेश कुमार एंड वेलकम यू ऑल इन दिस आईटी जेएम 2016 टू 2005 इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स सॉल्यूशन सीरीज। सो आज हम लोग आईटी जेएम 2014 का क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन बेसिकली सॉलिड स्टेट से है दोस्तों। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सेकेंड नाइबर डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द सेकेंड नाइबर डिस्टेंस टू द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन एफ सी सी लेटिस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एफ सी सी लेटिस है उसमें जो सबसे नियरेस्ट एटम होते हैं उनका क्या डिस्टेंस होता है और जो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम होते हैं उनका क्या डिस्टेंस होता है। तो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस और जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस है उनका रेशियो हमें बताना है। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। ओके, सो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। द एफ सी सी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज ए क्यूब, ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल फेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ एन एटम एट इच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड एन एटम सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ इच फेस ऑफ द यूनिट सेल। ऑफकोर्स वी ऑल नो कि जो एफ सी सी लेटिस होता है दोस्तों किस तरह से होता है कि ये क्यूब की तरह होता है और साइड लेंथ चलिए मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है, जो जिसको लेटिस पैरामीटर भी बोलते हैं। और इसके हर एक कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एफ सी सी में हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है और जो हर एक फेस है उसके सेंटर पे भी एक एटम होता है, ठीक है। तो इतना आपको आता होगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों अगर यहाँ से आपको बताते चले कि जो हर एक एटम जो मौजूद है एटम साइड कॉर्नर पे और जो 2, 4 और 6 जो फेसेस हैं इन सिक्स फेस में भी अगर आप देखेंगे तो सिक्स फेस में भी उनके सेंटर पे एटम है। तो सबका अगर हम लोग पोजिशन लोकेट करना चाहें तो देखिए ये एक्सिस एक्स एक्सिस है दोस्तों, तो यहाँ पे जो एटम होगा इस कॉर्नर पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के होगा और वाई और जेड एक्सिस 0 0 होगा, ठीक है। उसी तरह ये जेड एक्सिस में कॉर्नर पे एटम का क्या होगा कोऑर्डिनेट, 0 0 हो जाएगा एक्स वाई एक्सिस और जेड का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ ये यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, तो उससे ए लेंथ पे है। उसी तरह अगर आप फेस सेंटर्ड की बात करें तो आप ये जो फेस सेंटर्ड है इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हमारा ये हमारा एक्स जेड प्लेन में है, तो देखिए और चूंकि मिडिल पे है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स तरफ की दूरी इसकी ए बाई टू है और जेड तरफ की दूरी भी इसकी ए बाई टू है, ए बाई टू, लेकिन इसकी इधर कोई दूरी नहीं है वाई एक्सिस में, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। उसी तरह से बाकी का भी हमने लिखा है। अब दोस्तों आप यहाँ से अगर देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर हमारा कहाँ पे है, वो यहाँ पे है a/2 0 या फिर a/2 0 a/2 भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड नियरेस्ट नाइबर है कहाँ पे है, वो a 0 0 पे है, ठीक है, क्योंकि a/2 से a बड़ा डिस्टेंस है तो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर हो जाएगा a पे। फर्स्ट सबसे नज़दीक पे कौन है, a/2 a/2 पे है और a पे हमारा सेकेंड नियरेस्ट नाइबर है। तो आप देख सकते हैं कि a/2 डिस्टेंस ज़्यादा सामने है कंपेरिजन टू a डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर, तो अब चूंकि कोऑर्डिनेट मालूम चल चुका है सेकेंड नियरेस्ट नाइबर का a 0 0, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और आपको मालूम होगा फार्मूला x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² ये रूट अंडर, ये हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं जो क्लास 10 में आप पढ़े हैं। और जब फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर का निकालेंगे तो यहाँ पे अभी मालूम है आपको a² + a² / 4 यानी 2a² / 4 यानी a² / 2 यानी कि a/2 आ जाएगा दोस्तों, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर का कितना आया दोस्तों, a आया और ये हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर का है, इसको d1 कर लेते हैं, ये a/2 आया, ठीक है। तो हमें सेकेंड टू फर्स्ट निकालना था यानी कि सेकेंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस d2 / फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस d1 निकालना था। तो ये सेकेंड नियरेस्ट नाइबर a है और ये a/2 है, तो a/2 a कट गया, √2 नीचे तो ऊपर चला गया, आप देख सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, √2 आ रहा है। तो सेकेंड टू फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितना आ रहा है दोस्तों, √2 आ रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ब्रैग्स लॉ डिफ्रैक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर लगभग हर साल एक या एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रम आर इंसिडेंट ऑन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ यानी कि दोस्तों लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल में गिर रहा है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में। ये भी एक अच्छा डाटा है क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो DHKL होता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, वो कितना होता है दोस्तों, √√H² + K² + L², ठीक है, यहाँ पे A है लैटिस पैरामीटर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए है और वेवलेंथ लैम्डा ऑलरेडी दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311 प्लेन। फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन यानी n=1 दिया हुआ है दोस्तों, फ्रॉम 311 प्लेन यानी कि HKL का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू 3, K का वैल्यू 1 और L का भी वैल्यू 1 दिया हुआ है। ऑकर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यानी थीटा भी देखिए दोस्तों 30 डिग्री दिया हुआ है फ्रॉम द प्लेन। ओके सो द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इज, तो हमें लेटेस्ट पैरामीटर क्रिस्टल का बताना है और एंगस्ट्रम में बताना है, ठीक है। अभी अभी हम आपको बताएं कि लेटेस्ट पैरामीटर उसका जो यूनिट सेल होता है उसका साइड लेंथ को कहते हैं, यानी ए निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फटाफट दोस्तों, यूजिंग ब्रैग्स लॉ, वी ऑल नो दैट ब्रैग्स लॉ का ये फार्मूला है, वहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है 2D sin θ = n λ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फॉर्मूला होता है 2D sin θ = n λ equation 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्लेन हमारा 311 था, यानी H का वैल्यू 3, K का वैल्यू 1 और L का वैल्यू 1। तो दोस्तों जो सिंपल क्यूबिक के लिए DHKL यानी कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है D = a√√H² + K² + L² और एज यू नो कि H का वैल्यू 3, K का वैल्यू 1, L का वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि DHKL कितना आ गया, a√11 आ गया, ठीक है। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर n=2 कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर पिक के लिए बात हो रहा है, वहाँ पे तो डिफ्रैक्शन हो रहा है तो 1 दिया हुआ है n का वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड d इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए थीटा साइन 30 हो जाएगा, n का वैल्यू 1, लैम्डा 1 एंगस्ट्रम दिया हुआ है और d हम निकाल चुके हैं a√11। तो फाइनली हमें यहाँ पे सारा वैल्यू हम रख दिए, देख सकते हैं अब। तो सारा वैल्यू रखने के बाद आप देख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू आ रहा है, ये जो ए है लेटेस्ट पैरामीटर इसको कहते हहैं, और इसका जो वैल्यू आ रहा है √11 एंगस्ट्रम, ठीक है। कितना आ रहा है, √11 एंगस्ट्रम, क्योंकि ये साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये चलिए कैंसिल हो गया ये और ये, इधर a√11 बच्चा और उधर 10^-10 मीटर, यानी कि इधर कुछ नहीं तो 1 एंगस्ट्रम है, तो √11 को इधर ले आएंगे तो a = सिर्फ बच जाएगा √11 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो एंगस्ट्रम में आंसर पूछा था तो √11 हो जाएगा लेटेस्ट पैरामीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्वेश्चन है, बैटरी विथ ए कांस्टेंट EMF कैपिटल ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर प्रोवाइड्स पावर टू एन एक्सटर्नल सर्किट विथ ए लोड रेसिस्टेंस मेड अप बाय कंबाइनिंग रेसिस्टेंस RL एंड 2RL इन पैरेलल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL विल द पावर डिलीवर्ड टू द लोड बी मैक्सिमम। दोस्तों मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है, एक बैटरी है जिसका एक कांस्टेंट EMF है कैपिटल ई और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर। एक बैटरी है जिसका कांस्टेंट EMF दे रहा है कैपिटल ई और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, और एक लोड इस सर्किट के साथ कनेक्टेड है जिस लोड में दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, एक RL और दूसरा 2RL, ठीक है। अब बोल रहा है इस RL का किस वैल्यू के लिए जो पावर डिलीवर होगा वो मैक्सिमम होगा।
तो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगा देंगे। पहले तो पावर निकाल लेंगे अक्रॉस द लोड, और उस पावर को आरएल के रेजिस्टेंस में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और सेट कर देंगे इक्वल टू जीरो, डीपी बाई डीआरएल इक्वल टू जीरो। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आरएल का वैल्यू आएगा दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से कह रहा है कि एक ईएमएफ लगा हुआ है, एक बैटरी कांस्टेंट सोर्स ई और इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का स्मॉल आर है, इसके थ्रू लोड रेसिस्टेंस लगे हुए एक आरएल और एक टू आरएल पैरेलल में आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग और रिड्यूस कर लेते हैं, इस लोड रेसिस्टेंस आरएल और टू आरएल चूँकि पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, एक रेसिस्टेंस बना देते हैं दोनों के बदले। तो सॉल्व करेंगे तो टू आरएल बाय थ्री आ जाएगा, क्योंकि वन बाय आरएल प्लस वन बाय टू आरएल। तो यहाँ से अगर आप वन बाय आरएल कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, वन प्लस वन बाय टू, यानी कि टू और वन थ्री बाई टू, तो ये थ्री बाई टू आर एल। इसको उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा टू बाई थ्री आर एल। ठीक है, तो टू आर एल बाई थ्री आपको सही है, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे निकाल के भी दिखाया, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर एल प्लस वन बाई टू आर एल, तो टू प्लस वन बाई टू आर एल, तो फाइनली ये वगैरह वगैरह। सो आर इक्विवेलेंट को हम आर मान लिए, ये जो आर इक्विवेलेंट है टू आर एल बाई थ्री उसको हमने आर मान लिया, और ये भी और ये स्मॉल आर, हालांकि अभी नीड नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट पे करंट होगा दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन पे कि कहीं पे वोल्टेज भी है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इस तरह का एक मॉडल सिचुएशन के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्किट पे करंट कितना होगा। तो करंट दोस्तों लोड के अक्रॉस का करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाय आर, यानी कि वी बाय आर प्लस आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट इन द सर्किट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल भी है और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर है। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन द लोड आर, अगर इस लोड आर पे आप पावर की बात करेंगे तो पी इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो इस लोड का रेसिस्टेंस आर और आई स्क्वायर, और आई अभी हम लोग निकाल चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पावर डिसिपेटेड होगा लोड में वो कितना होगा, आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आई का वैल्यू कितना है, वी बाई आर प्लस आर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये साथ में कैपिटल आर मल्टीप्लाइड भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए वी स्क्वायर का वी स्क्वायर रहने दीजिए, और ये आर जो है दोस्तों, इसको अगर आप नीचे ले आएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पे ये आर स्क्वायर, आर अगर हम कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर वहाँ से, तो ये हो जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर बाय आर, और प्लस टू आर प्लस आर। अच्छा सॉरी, इसको पहले ब्रेक कर रहा है, देखिए ब्रेक कर रहा है, किस में ब्रेक कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या बन जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस टू आर आर। ठीक है, ये बन जाएगा, और उसके बाद इस आर से ला के डिवाइड कर देगा, तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ भी आर हो जाएगा, और यहाँ भी आर हो जाएगा। तो आर से आर एक आर बचेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आर आर स्क्वायर बाय आर यहाँ पे रह जाएगा जो ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आर आर कट जाएगा तो टू इंटू स्मॉल आर बचेगा जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये समझ आया होगा। ओके, अब फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड आर, दोस्तों अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर हो लोड आर में, इसके लिए ज़रूरी है कि डी बाई डी आर ऑफ दिस टर्म, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डी बाई डी आर ऑफ दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो बाय सॉल्विंग दिस वन विल गेट, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं डी बाई डी आर ऑफ दिस करते हैं अगर, और सेट जीरो करते हैं, देखिए क्या होगा, डी बाई डी आर ऑफ इसका करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस, ये कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू आर बन जाएगा, यानी कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर आ जाएगा।
तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है आर इक्वल टू आर। वी कैन फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड फॉर द गिवन सर्किट व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अभी का सिचुएशन के लिए, और आर इक्विवेलेंट कितना था हमारा 2RL/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर इक्वल टू अगर 2RL/3 तो RL इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2R। तो RL का किस वैल्यू के लिए पावर जो है वो मैक्सिमम होगा दोस्तों, 3/2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कंडीशन के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा RL इक्वल टू 3/2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का। द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द फर्स्ट ऑर्डर पिक, थीटा का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर पिक है यानी n इक्वल टू 1, एक्स रे वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है दोस्तों 1.53 एंगस्ट्रम, और डिफ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1-1 प्लेन यानी एच के एल का वैल्यू 1-1-1 दिया हुआ है, प्लेन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, सिंपल क्यूबिक कह दिया, यानी कि ये जो डी एच के एल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाय रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विथ द लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए इक्वल टू 2.65 एंगस्ट्रम, यानी चलिए ए भी दिया दिया है, इज अप्रॉक्सीमेटली यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा, बहुत सारा डाटा लगभग गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन का। दोस्तों व्हेन एक्स रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए क्रिस्टल लैटिस पीक्स ऑफ स्कैटर्ड इंटेंसिटी आर ऑब्जर्व्ड व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू कंडीशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, वेयर d इक्वल टू a बाय रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फॉर द सिंपल क्यूबिक लैटिस। इन द गिवन प्रॉब्लम h इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 एंड लेटेस्ट पैरामीटर स्मॉल a इक्वल टू 2.65 एंगस्ट्रम, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पिक n इज ऑल्सो 1, सो आप यहाँ देख सकते हैं n का वैल्यू 1 हो गया, चलिए हटा दीजिए अब n को, तो बचा क्या, लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा, और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 1.53 एंगस्ट्रम, और इज इक्वल टू 2 का 2 और d, डी के जगह पे देखिए दोस्तों हम इसको यूज कर रहे हैं ए बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, ओके, सो 1.53 एंगस्ट्रम का 1.53 एंगस्ट्रम एल एच एस में, और आर एच एस में देखिए 2 और ए का वैल्यू देखिए 2.65 एंगस्ट्रम, तो 2 इंटू 2.65 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और साथ में ये साइन थीटा। दोस्तों आप यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेंगे इन सारे टर्म को, देखिए एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और आप ये रूट यहाँ से रूट थ्री आ जाएगा, तो रूट थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस टर्म को लाके डिवाइड कर दीजिए, तो देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू आता है 0.00 अप्रॉक्स, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा लगभग 30 डिग्री, क्योंकि 0.5 यानी कि 1/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो हमारा एंगल थीटा का वैल्यू पूछ रहा था वो कितना होगा इस सिचुएशन में, 30 डिग्री होगा यानी कि 5/6, अगर रेडियन में बोलता तो 30 को लिखते हैं 5/6, ध्यान रहे। आइए देखते हैं उसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी जेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से, द फॉलोइंग आर द प्लॉट्स ऑफ द टेम्परेचर, सॉरी थोड़ा सा मेरे कलाम में खराश हो गया है, वैसे भी सुबह सुबह उठने के बाद काफ़ी आप समझ सकते हैं। द फॉलोइंग आर द प्लॉट्स ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर 3 डिफरेंट सैंपल, ओके सो 3 सैंपल हैं और अननोन है उनके लिए, ये काई और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जिसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ खींचा गया है, देखिए आप
और काई जो होता है वही टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ऑफकोर्स आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको ग्रेजुएशन में। तो ये काई वर्सेस टेम्परेचर मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तीन सैंपल का आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्लॉट ए बी एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग टू फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट एंड डायमैग्नेट, इसी तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो सॉरी गाइज, आप देख सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसके लिए हाइपरबोलिक कर्व होता है अकॉर्डिंग टू द क्यूरिज लॉ। क्यूरिज लॉ के अकॉर्डिंग जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दोस्तों, उसके हाइपरबोलिक कुछ इस तरह से कर्व होते हैं, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो भैया ये एकदम डायमैग्नेटिक मटेरियल सबसे लेज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो उनके लिए देखिए आप ओरिजिन से ये सीधा सा एक लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट है लगभग। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप देख सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी एज द मटेरियल अप्रोचेज इट्स क्यूरी टेम्परेचर, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये हाइपरबोलिक है लेकिन एक पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर जिसको टीसी बोलते हैं वहाँ के बाद ही अपना प्रॉपर्टी, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और क्यूरिट चूँकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और पैरामैग्नेटिक का भी अभी हम बताएं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब कुछ इसका हाइपरबोलिक कर्व आएगा तो सेम बिहेवियर यहाँ पे भी दिखेगा आप पर, लेकिन ओरिजिन से यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको फेरोमैग्नेटिक में आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इसमें पीक में आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो है दोस्तों सबसे पहला वाला किसका है, पारा का है, ये डाई का है और ये फेरो का है। ठीक है, तो पारा डाई एंड फेरो यानी ऑप्शन भी करेक्ट है दोस्तों, पारा डाई एंड फेरो रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा ऑपएम्प का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट इज ए साइनोसोइडल सिग्नल ऑफ द एम्पलीट्यूड वी इन इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट पिक टू पिक। साइनोसोइडल वोल्टेज है लेकिन उसका जो पिक दिया हुआ है वो सिर्फ दिया हुआ है 1 मिलीवोल्ट, इसका पिक है। और आपको यहाँ पे ऑपएम्प दिख रहा होगा, सारा रेसिस्टेंस वगैरह दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा है ऑप्शन ए में, व्हाट इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन इज डाउन बाय 3 डेसिबल एज कम्पेयर टू द गेन एट मिड बैंड। इफ द बैंड विथ ऑफ द एम्पलीफायर इज 1 MHz फॉर यूनिटी गेन, व्हाट विल बी द बैंड विथ ऑफ द गिवन सर्किट। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज एट 15 kHz। तो दोस्तों जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है एफ इक्वल टू 1/2πRC, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखें, एफ इक्वल टू 1/2πRC, तो 1/2π और आर और सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सी जो है यूज किया है और आर यूज किया है। आर जो यूज किया है वो 10 kΩ में यूज किया है दोस्तों, और सी जो है वो 100 μF यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 kΩ के बदले 10³ लगाए हैं और ये μF के बदले 10⁻⁶ लगाए हैं। तो आर और सी हम आपको दिखा देते हैं, 100 μF और 10 kΩ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आर और सी जो है 10 kΩ और 100 μF आपको दिख रहा होगा, तो दीज आर RC नॉनेज, यही एक RC कपल सर्किट है दोस्तों। इसी सर्किट पे जहाँ पे कैपेसिटर जिधर रहता है, तो ये नीचे और लोअर जो सर्किट है RC सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो ये R का वैल्यू आपके लिए होगा अभी और ये C का वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को दोस्तों पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है 1/2πHz जा रहा है और यही हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हम लोग गेन निकालेंगे तो आपको मालूम है गेन ऑफ द गिवन सर्किट या किसी भी सर्किट का कितना हो जाएगा,
भी आउटपुट बाय भी इनपुट इज इक्वल टू 1 + R2 / R1 इंटू 15/20 इंटू 10 - 100/10। ये पता नहीं कहाँ से गेन निकाल रहा है, तो ये तो मुझे मालूम है कि 1 + R2 / R1 यानी कि 100 kΩ / 10 kΩ। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15/20 × 10। अच्छा, पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, सो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 15V / 10+10 × 20 × 10। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर से आप अगर वोल्टेज निकालेंगे दोस्तों, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिवाइडर से आप वोल्टेज निकालेंगे तो ये 15 है, तो 15 और ये इधर 10 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ और इनटू यहाँ पे R2 10 kΩ यानी 10 kΩ कट जाएगा ये, तो ये 15/20 × 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दोस्तों, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट पे भी होगा। और जो एम्पलीफायर ऑप एम्प होते हैं उनका ये जो V0/VI जो होता है, आउटपुट बाय इनपुट रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है 1 + R2 / R1। इसको R2 बोलते हैं दोस्तों, इसको R1 बोलते हैं। दैट्स मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और माइनस 100/10। ये 100/10 का फैक्टर क्यों है थोड़ा पढ़ लेते हैं। और माइनस फिर से R2 / R1 दोस्तों, ये 100 kΩ / 10 kΩ R2 / R1 है। इसको 22 अच्छा से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर आएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करके जो वी आउट बाई वी इनपुट आ रहा है वो 72.5 आ रहा है। और एज वी नो दैट, हम लोग को ये मालूम होता है दोस्तों कि गेन इंटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है ये कॉन्स्टेंट होता है। गेन इंटू बैंडविथ का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है, तो गेन इंटू बैंडविथ 1 इज इक्वल टू गेन इक्वल टू बैंडविथ 2। और हमें जो दिया हुआ है दोस्तों, पहले यूनिटी गेन दिया हुआ है, यानी फर्स्ट केस में गेन यूनिटी दिया हुआ है 1 और बैंडविथ उस केस में 1 MHz है। तो जब गेन 72.5 होगा, गेन भी आउटपुट पर भी इनपुट को बोल रहे हैं, उस केस में जो बैंडविथ होगा उसको 2 मान लेते हैं। तो बाय सॉल्विंग इस वेव सेकेंड बैंडविथ हमारा आ रहा है 13.7 kHz। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में और पूछ रहा था आउटपुट वोल्टेज, तो हम लोग चुके हैं अभी आउटपुट व भी इनपुट निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी आउटपुट व भी इनपुट 72.5 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से भी आउटपुट कितना हो जाएगा, 72.5 × V इनपुट 1 mV दिया हुआ है पिक टू पिक क्वेश्चन में। तो बाय सॉल्विंग वन विल गेट 0.072 V। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों, सेमीकंडक्टर से। द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज ΔE = 0.68 eV। जर्मेनियम का बैंड गैप दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रोपोर्शनल टू E^-ΔE/2kT, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन प्योर जर्मेनियम एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 300 to 320 Kelvin। 300 to 320 Kelvin जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इस दौरान कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर में, ये आपको बताना है। और साथ ही जो बैंड गैप है जर्मेनियम का ये दिया हुआ है 0.68 eV, और जो नंबर ऑफ हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E^-ΔE/2kT। मतलब इस रिलेशन को यूज करना है, तो आइए इसको यूज करते हैं। दोस्तों, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इंट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर इज डबल द नंबर ऑफ हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। Ni इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट टेम्परेचर Ti एंड Nf एट Tm।
चूंकि हमको अभी अभी बताया कि जो चार्ज करियर है नंबर उनका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई टू के टी है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा उसको एन नॉट मान लिया, हम देख सकते हैं। तो एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई टू के टी होना चाहिए, लेकिन हम एन आई यूज कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियली नंबर ऑफ जो चार करियर होंगे एन आई इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई टू के इनिशियल टेम्परेचर को टी आई मान लिए। उसी तरह जो एन एफ होगा फाइनल नंबर ऑफ चार्ज करियर वो होगा एन एफ इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई टू के टी एफ, यानी कि टी एफ हमारा फाइनल टेम्परेचर है और इस फाइनल टेम्परेचर पे हमारा जो नंबर ऑफ चार्ज करियर होगा वो कितना होगा, एन एफ होगा। तो अब चूंकि हमें क्या बताना है दोस्तों, द परसेंटेज इंक्रीज इन चार करियर्स बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा चार्ज करियर में, एन एफ माइनस एन आई बाई एन आई इंटू 100%। आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला, आप पढ़ते आ रहे होंगे, एन एफ माइनस एन आई बाई एन आई इंटू 100%। तो ये 100 को देखिए हमने बाहर रख लिया इधर, और एन एफ माइनस एन आई बाई एन आई हम कर रहे हैं। ओके सो आप एन एफ माइनस एन आई बाई एन आई अगर करेंगे तो उससे, दरअसल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं देखिए, इसको डिवाइड कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो एन एफ बाई एन आई हो जाएगा और माइनस एन आई वन हो जाएगा। तो एन एफ बाई एन आई माइनस वन, तो ये देखिए माइनस वन आपको दिख गया, और एन एफ बाई एन आई करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एन एफ बाई एन आई करेंगे, एन एफ को अगर एन आई से डिवाइड करेंगे तो एन नॉट कट जाएगा और ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई टू के टी, और यहाँ पे भी बच जाएगा नीचे ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई टू के टी आई बच जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा ई बाई टू के, चूंकि माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा और डेल्टा ई बाई टू के माइनस अगर एक्सचेंज करेंगे और डेल्टा ई बाई टू के को बाहर लेंगे तो बचेगा वन बाई टी आई माइनस वन बाई टी एफ, और ये सारा ई टू द पावर में है बाय अरेंजिंग द टर्म्स। दोस्तों डेल्टा ई बाई टू के इंटू वन बाई टी आई माइनस वन बाई टी एफ को हम सॉल्व कर लेना चाह रहे हैं, फिर वहाँ पुट कर लेंगे। तो डी जो है एनर्जी बैंड गैप जो है जर्मेनियम का दिया हुआ है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू का टू, और जो ये के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो दिया हुआ है 8.62 इंटू 10^-5, और इंटू वन बाई टी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर 300 माइनस वन बाई टी फाइनल 320 केल्विन है फाइनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाय सॉल्विंग ऑल दिस टर्म्स वन विल गेट 0.82। ये जो के का वैल्यू है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में, तो अब घबराएं नहीं। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप रखेंगे 0.82 तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा ई टू द पावर, ये पूरा सॉल्व करके 0.82 माइनस वन, और ये बाहर में 100 मल्टीप्लाई है, ये पूरा परसेंट में चलते आ रहा है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 इंटू ई टू द पावर 0.82 माइनस वन, और आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0.82 निकाल सकते हैं, उसको निकाल के उसमें माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और चूंकि बाहर में ऑलरेडी परसेंट चलते आ रहा है तो आप पाएंगे कि इसको सॉल्व करके लगभग 127 आ रहा है, और बाहर में चूंकि परसेंट चल रहा है यानी कि 127% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ज कैरियर कितना इंक्रीज करेगा, परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज लगभग 127%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, दैट इज 127, यानी कि 127%। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेमी कंडक्टर का है। इन एन एक्सपेरिमेंट द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्लेब ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो रेसिस्टेंस है हमारा रेक्टेंगुलर स्लेब ऑफ ए सेमी कंडक्टर, उसका जब मेजर किया हमने रेसिस्टेंस रेक्टेंगुलर सेमी कंडक्टर का, तो वो एक टेम्परेचर का फंक्शन मिला। द सेमी कंडक्टर शोज ए रेसिस्टेंस ऑफ 300 ओम एट 200 केल्विन एंड 2 ओम एट 250 केल्विन, ठीक है। मतलब कोई रेक्टेंगुलर सेमी कंडक्टर का पीस था जिसका जो एक्सपेरिमेंटली जैसे देखा गया उसका जो रेसिस्टेंस है वो एक फंक्शन है टेम्परेचर का, और इस तरह से वो फंक्शन है टेम्परेचर का कि जब 300 ओम रेसिस्टेंस था तब टेम्परेचर 200 केल्विन था,
और जो हम रेसिस्टेंस 2 ओम था तब टेम्परेचर 250 केल्विन था। तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप कितना होगा ये हमें बताना है। और यहाँ पे LN दिया हुआ है, LN 15 का वैल्यू आपको यूज करना है 2.708, LN 10 का वैल्यू यूज करना है 2.303। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करें। खैर दोस्तों, जो कंडक्टिविटी होता है सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर, वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KBT। ठीक है, इसको आप याद रखें, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KBT। तो वेयर सिग्मा नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड KB इज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एंड ई जी इज एनर्जी बैंड गैप। दोस्तों अगर इसको हम टेम्परेचर अलग, दोनों टेम्परेचर के लिए अगर लिखें, फर्स्ट टेम्परेचर T1 और सेकेंड टेम्परेचर T2 के लिए, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 फर्स्ट टेम्परेचर के लिए सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा नॉट टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KB और T1। ई जी और KB चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो एनर्जी बैंड गैप सेम होगा डिफरेंट टेम्परेचर पे, और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी सेम होगा। और उसी तरह सिग्मा 2, सिमिलरली सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KB और T1 के जगह T2। लेट्स सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोस्तों अगर आप सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 करेंगे यानी जस्ट डिवाइड करेंगे, तो सिग्मा नॉट कैंसिल हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KB कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। पुटिंग T1 इक्वल केल्विन एंड T2 इक्वल टू 250 केल्विन। तो आपको मालूम है रेसिस्टेंस, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है दोस्तों, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ती है और करंट बढ़ता है सेमीकंडक्टर में। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू, अच्छा और आपको ये भी बताते चले कि जो सिग्मा और रेसिस्टेंस में रिलेशन होता है दोस्तों, किस तरह का रिलेशन होता है। तो आपको मालूम होगा कि सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और जो कंडक्टिविटी होता है दोस्तों 1/रेसिस्टिविटी होता है ना 1/रेसिस्टिविटी होता है, और रेसिस्टिविटी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, यानी कि R भी लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी की जगह लगभग। तो सिग्मा इज लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो अगर हम सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 लिखना चाहें तो क्या हम उसको R2/R1 लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा इंटू R क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिग्मा इंटू R सम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ऐसा करेंगे, सिग्मा 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2/R2। तो यहाँ से सिग्मा 1/सिग्मा 2 को इधर ले आएंगे तो ये R1 उधर चला जाएगा, मतलब R2/R1। यस, तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 को हम लोग लगभग R2/R1 लिख सकते हैं। तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 मस्ट बी इक्वल टू R2/R1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KB, 1/T1 के जगह 200 केल्विन, 1/T2 के जगह 250 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना दूर तक कैलकुलेशन, आगे देखते हैं। ओके, सो R2/R1 का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में। जो हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है और जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है हमारा 300 ओम है, यानी 2/300। R2/R1 कितना है दोस्तों, R2/R1 हमारा 2/300 हो गया, इज इक्वल टू टू द पावर माइनस ई जी बाय 2 KB। और इसको सॉल्व किए 1/T1 माइनस 1/T2, तो 50/200 इंटू 250। तो फर्दर बाय सॉल्विंग इट आप देख सकते हैं, 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से 25 कट गया, तो 5 × 10 यानी 1/1000 आ गया। तो और इधर आप देख सकते हैं कि इधर 1/50 हो गया, 2 से 150 कट गया, तो 150 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 KB इंटू 1/1000। तो 1/50 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई जी बाई 2 × 1000 यानी कि 2000 KB आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर लेंगे तो हो जाएगा ये 1/150 के जगह पे 150 हो जाएगा, और ई टू द पावर में जो माइनस साइन है प्लस साइन बन जाएगा, तो ई जी बाई 2000 KB, और ये अब प्लस साइन बन गया है क्योंकि हम लोग रिवर्स ले लिए हैं। पुटिंग KB का जो वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻²⁰ जूल पर केल्विन होता है, तो इसको पुट कर दीजिए। ओके, सो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल को उठा के इधर ले आएंगे तो LN 150 हो जाएगा। तो आप देखिए इधर LN 150 हो गया, और उसी को लॉग बेस E 150 भी बोलते हैं। तो इधर E आ गया, तो LN 150 हो गया, और इधर क्या बचा, प्लस ई जी, ये माइनस नहीं, प्लस ई जी बाय 2000 KB। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू देखिए रख दीजिए 1.38 × 10⁻²³। अब सॉल्व कर लीजिए, तो
यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो ईजी का वैल्यू मिल जाएगा। ईजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, लॉग, अच्छा लॉग 150 है ना, तो 150 को ऐसा लिख सकते हैं 15 × 10 लिख सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा ln 115 × 10, क्योंकि हम लोग 150 को 15 × 10 लिख सकते हैं। और ln a into b का फॉर्मूला होता है ln a प्लस ln b, मालूम है, तो ln 150 को लिख सकते हैं ln 15 प्लस ln 10, दैट इज लॉग बेस e 15 प्लस लॉग बेस e 10, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटायर टर्म 2000 × 1.38 × 10⁻², बाई सॉल्विंग इट वन विल गेट 2.76 × 10⁻²। ओके सो अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है आपका ln 15 और ln 10 का, उसको आप सीधा यूज कर ले। ln 15 और ln 10 का आपको सीधा वैल्यू दिया हुआ है 2.303 और 2.708, 2.303 और 2.708, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लें और इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनली देखिए काट छांट के चूँकि हमारा जूल में आ रहा था एनर्जी, देखिए जूल में, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाह रहे थे, काट छाट का आया 13.83 × 10⁻²⁰ जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करना पड़ता है, तो बाय सॉल्विंग इट वन विल गेट द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द जर्मेनियम इज 0.8643 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन को कितना आ रहा है। ओके सो हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है दोस्तों कितना आ रहा है, 0.8643 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो नियरेस्ट जो हमारा आंसर मैच कर रहा है दोस्तों कितना मैच कर रहा है, 0.862 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रैग्स लॉ से सॉलिड स्टेट का, एन एक्स रे बीम ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रम इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द 1.10 प्लेन्स ऑफ ए सॉलिड विद ए क्यूबिक लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट 3.08 एंगस्ट्रम, द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन ऑकर्स एट। फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, मतलब एन इक्वल टू वन की बात कर रहा है दोस्तों, लैम्डा वेवलेंथ एक्सरे का दिया हुआ है 1.10 प्लेन यानी HKL का वैल्यू दिया हुआ है, और लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है 3.08 एंगस्ट्रम, थीटा का वैल्यू पूछा है, और साथ में ये बता दिया है सिंपल क्यूबिक है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, डी एच के एल का वैल्यू हो जाएगा ए बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सिंपल क्यूबिक के लिए आपको मालूम है इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ओके सो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन भी लगा सकते हैं सब्सक्रिप्ट, क्योंकि एन यहाँ जैसे जैसे वेरी करेगा एंगल उसी का होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन, वेयर डी इज द लैटिस स्पेसिंग, लैटिस प्लेन का स्पेस है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 1.54 एंगस्ट्रम यानी 10⁻¹⁰ मीटर, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन 1 हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा आप निकाल लीजिए दोस्तों, एन का वैल्यू 1 रख लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2d, लेट्स से इक्वेशन 1। नाउ मिलर इंडिसेस ऑफ द गिवन क्यूबिक लैटिस कितना दिया हुआ है 1.10, तो डी का वैल्यू सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए कितना हो जाता है, ए बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 1 है और एल का वैल्यू 1 है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए। वेर इज द लैटिस स्पेसिंग ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल एंड एच के एंड एल आर द मिलर इंडिसेस, बाय पुटिंग इट वन विल गेट डी इक्वल टू ए बाई रूट टू इक्वेशन 2, फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2a बाई रूट 2, तो आप वहाँ पे साइन थीटा जो था लेमडा बाई 2d, तो लेमडा का लेमडा और 2 का 2 और d के जगह a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 आप देखिए इसको आप सॉल्व करके ये आ रहा है रूट 2/2 लेमडा है, तो रूट 2 और लेमडा दिया है 1.54 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 2 × a का वैल्यू दिया हुआ है 3.08 एंगस्ट्रम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरा को अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये रूट 2 से रूट 2 टू रूट 2 बचेगा, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बचेगा 1/2 रूट 2 यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 रूट 2, तो दिस इज द एंगल, ये जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग जो ब्रैग्स एंगल निकालना था वो ये एंगल था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 रूट 2,
आंसर चूँकि इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में हम छोड़ देते हैं, आगे कैलकुलेट नहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर स्टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड, ये भी जैम 2014 का क्वेश्चन है। नो 14 का नहीं। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड इन द यूनिट शेल ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। दोस्तों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड मतलब कितना वॉल्यूम अनऑक्युपाइड है उसको निकालना है। तो आपको मालूम होगा एक इसका एक लॉजिक ये बनाने का कि बीसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो लगभग 68% होता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतना परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड है तो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है, 1-68% मतलब 100% -68% यानी कि 32% लगभग इतना वॉल्यूम अनऑक्युपाइड है ना। तो अगर इतना वॉल्यूम अनऑक्युपाइड है तो 32% होना चाहिए वो। तो अब इसमें से सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से पाई का वैल्यू तो सबको मालूम है, और इसको भी सॉल्व कीजिए और देखिए कि किस में 32% आ रहा है और 100% लगा दीजिए, ठीक है। और देखिए कौन सॉल्व करके 32% के इक्विवेलेंट है। नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने तो आपको आता ही होगा ना, इंटू 100 कर लीजिए, इंटू 100 करके और सॉल्व कीजिए कौन 32% के बराबर आ रहा है, ठीक है। जो आ जाए वही अब आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो इसको एक सॉल्व करने का एग्जाम में ये लॉजिक था। अब उनका क्या जिनको याद ही नहीं, ठीक है, तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता, आपको याद रखना है क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन कराना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी हम देखिए हम आपके लिए थोड़ा सा कर दे रहे हैं, फिर भी बहुत ब्रीफ में हम जाएंगे, ठीक है। इन्हें बी सी सी लेटिस सॉन इन द फिगर वी हैव 4R = √3a, सो R = √3/4a, पर आर इज द रेडियस ऑफ एन एटम एंड ए इज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूबिक लेटिस, सो नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक लेटिस इज 8 × 1/8 + 1, क्योंकि 8 कॉर्नर पे 8 है और ऑक्युपेंसी है 1/8 प्लस बॉडी सेंटर्ड है तो एक बॉडी के सेंटर्ड पे होगा 1, तो 1 + 1 यानी कि 2 आ गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट लेटिस। और आप देख सकते हैं कि ये अगर एक एटम है जिसका रेडियस r है, तो ये अगर a है दोस्तों तो यहाँ पे एक एटम का जो रेडियस है ये r 2r, ये r 3r और ये यहाँ से यहाँ r 4r, यानी कि ये 4r हो गया। तो 4r जो है आप समझ पा रहे हैं ना, ये 4R मस्ट बी इक्वल टू ये A और ये A। अगर ये A है और ये अगर A है तो ये कितना होगा, √2a, तो 4R मस्ट बी इक्वल टू √2a होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये √3a है, आई डोंट नो, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो ये √2a होना चाहिए, तो यहाँ √2 होना चाहिए। अगेन वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा दोस्तों, आप अगर वॉल्यूम ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो 2 × 4/3 πr³ होगा, क्योंकि इसको पूरा देखिए कितना ऑक्युपाई कर रहा है, ये 1/4 है एक एटम का, तो ऐसे ऐसा देखिए टोटल 4th पार्ट हो गया, तो 4th पार्ट ऑफ 1 एटम एक एटम बना देगा और ये अपने आप में एक एटम है तो टोटल 2 एटम हो गया। तो 2 × 4/3 πr³ और ऐसे भी ऑक्युपेंसी हम लोग निकाले हैं निकोलो 2 निकाले हैं ना अभी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो 2 हो गया और ये 4/3 π, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 2 हैं और एक का वॉल्यूम इतना है तो टोटल वॉल्यूम 2 × 4/3 πr³ हो गया यूनिट सेल का। तो 2 × 4/3 π और r³ के जगह पे ये √2 है, यहाँ पे √2 3/4 a³, तो बाय सॉल्विंग इट वन विल गेट दिस √3π/8 a³। सो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम तो अगर साइड लेंथ ए है तो यूनिट सेल का a³ होगा और इतना ऑक्युपाइड वॉल्यूम है उसमें से, तो अनऑक्युपाइड कितना होगा a³ − √3/8 π a³, a³ में सब्ट्रैक्ट कर दिए दोस्तों हम, तो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम देखिए कितना आ रहा है 8 − √3π/8, यानी कि ऑप्शन ही क्या है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जैम 2014 का है,
आईटी कानपुर के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये भी सॉलिड स्टेट का ब्रैग्स लॉस का जो फॉर्मूला है उसी से बनेगा। क्वेश्चन है थर्मल न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी 300 kb यानी कि 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्मल न्यूट्रॉन्स इसका थर्मल एनर्जी दिया हुआ है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड समटाइम्स यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल। स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए मटेरियल का यूज किया जाता है, इनको बम्बार्ड किया जाता है। द टिपिकल लेटिस स्पेसिंग ऑफ ए मटेरियल फॉर विच दिच कैन बी यूज। अपने को लेटिस स्पेसिंग यानी कि डी बताना है वैसे मटेरियल में जिसमें ये यूज हो सकता है, ठीक है, यानी कि डी बताना है अपने को। तो वी ऑल नो दैट कि 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसको ये को डी मान लें, यहाँ पे ये माना हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2d साइन थीटा होगा, या चलिए हम यहाँ पे a ही ले लेते हैं, पूरा 2d को अगर हम a मान लें, ठीक है, तो a साइन थीटा इक्वल टू n और लैम्डा कितना हो जाएगा दोस्तों 30.08/√t एंगस्ट्रम। ये कहाँ से आ रहा है आपको मालूम है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज कर लीजिए। लैम्डा इक्वल टू h/p, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई मोमेंटम रूट अंडर 2mEK और काइनेटिक एनर्जी 3/2 या 2 गया 3mkt यूला यूज कर लीजिए कंडीशन, तो वहाँ से ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज कर लीजिए एनर्जी वाला रिलेशन, और अभी आपको एनर्जी दिया हुआ था 0.025 एंगस्ट्रम। लगभग साइन थीटा को 1 मान लीजिए, फॉर अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं दिया हो तो इसको भी 1, एन को भी 1 अपने से मान लेना है। और फाइनली आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए। टेम्परेचर तो 300 दिया हुआ है दोस्तों, 300 kb दिया हुआ था, इसका मतलब kT एनर्जी का बात कर रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 kb मतलब वो kT का बात कर रहा था। तो इसमें जो है आंसर जो होगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स जो आंसर आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 1.74 एंगस्ट्रम यानी कि 0.15 नैनोमीटर नियरली। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन जो था दोस्तों हमारा जैम 2014 का था, और क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डायमंड लेटिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 FCC लेटिसेस displaced along the body diagonal by 1/4 of its length. There are 8 atoms per unit cell. The packing fraction of the diamond structure. दोस्तों जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है वो 2 FCC का कम्बिनेशन होता है, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.34% होता है, इसको आप याद रख लें। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हमारा डायमंड स्ट्रक्चर है उसका पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है पर यूनिट सेल वो कितना है 34% है, और अनऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों लगभग 64% हो जाएगा, ठीक है 66% हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इस बात को याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।